गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म। पार्टनरशिप का ये टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो क्या टॉपिक का नाम पढ़ रहे हैं? डिसोल्यूशंस ऑफ फर्म। फ्रेंड्स, इसको समझ लें, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है शटिंग डाउन। आप बिजनेस खत्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो बिजनेस को बंद करने के लिए क्या करेंगे आप? जो भी एसेट्स हैं उन्हें आप बेच देंगे, जो लाइबिलिटीज हैं उन्हें आप पे करेंगे। एसेट्स को पे करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटीज को पे करेंगे, और इसके बाद जो बैलेंस बचेगा उससे पार्टनर्स कैपिटल को पे कर देंगे। बिजनेस खत्म हो गया, बंद हो गया। तो इसका सिस्टम है, क्या सिस्टम है इसको समझें। सबसे पहले आप बनाएंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है जब आप किसी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हो, लेकिन यहां बनाना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके बाद एक बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं मान के चलता हूं कि तीन पार्टनर हैं, ठीक है, और एक बनेगा आपका कैश एंड बैंक अकाउंट। इसके अलावा जो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बट ये तीन अकाउंट मोस्टली हर डिसोल्यूशन में आप बनाएंगे। ठीक है, अब आप पूरी बैलेंस शीट, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर एक डेमो टाइप की बैलेंस शीट बना लेता हूँ। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या होती है, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लाइबिलिटीज, यहाँ कैश एंड बैंक बैलेंस, एक इस तरीके से बैलेंस शीट होती है। तो आपने क्या करना है, पहला स्टेप पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफर करनी है। कई बच्चों को ये कंसेप्ट रहते हैं कि वो पहले पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट्स। जी नहीं, जो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप सारी बैलेंस शीट एक साथ ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं सब आप यहां पर ट्रांसफर कर दें। ठीक है जी, डेबिट बैलेंस जो कैश और बैंक का है वो कैश एंड बैंक में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां आप सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दें। ठीक है, यहां आपने एसेट ट्रांसफर करी और पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में इनके ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे। मैं एबीसी पार्टनर ले रहा हूं। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर कोई रिजर्व बैलेंस है तो यहां पर रिजर्व या लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो यहां पर डाल देंगे। सपोज कर लीजिए अगर कोई पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो आप पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर करें। अब हम एसेट्स को बेचेंगे, तो एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होगी, पैसा रियलाइज होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे बाय बैंक, एसेट्स को सेल किया। सपोज कर लीजिए मैं कहता हूं कि फर्नीचर को बेचा तो मुझे इतना पैसा मिला, डेटर से मुझे ये मिला,
यहाँ पर सारी एसेट्स आ जाएंगी, ऐसी भी एसेट्स सपोज कर लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और वो कुछ पैसे रियलाइज कर रही है तो उसको भी लिख देंगे, तो सारे एसेट्स का पेमेंट ये लिख लिया। और ये एंट्री हमारी यहां पर आ जाएगी बैंक अकाउंट, ठीक है, किस नाम से, टू रियलाइजेशन एसेट्स को सेल करने से। इसके बाद अगर सपोज कर लीजिए कोई एसेट्स पार्टनर लेके जा रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस प्राइस पे वो लेके जा रहा है। तो यहां पर पार्टनर्स में क्या जाएगा, टू रियलाइजेशन जो एसेट्स उसने ली है। इसी तरीके से हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे, तो लाइबिलिटीज में सपोज करें ये क्रेडिटर पे कर रहे हैं हम लोग, या लोन है उनको पे कर रहे हैं। इसी तरीके अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो पहले नहीं थी लेकिन अब पे कर रहे हैं तो वो आ जाएगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट से वो सीधी ट्रांसफर होगी बैंक अकाउंट में। अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी टेक कर ली है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगी। ये मैं बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूं, एडिशनल पॉइंट आपके डिपेंड करेंगे क्वेश्चंस पर, तो वो क्वेश्चन से ही हम लोग बना लेंगे, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगर जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं अगर मैंने पे किए हैं तो टू बैंक करके आ जाएंगे, तो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए मैंने। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालें, अगर प्रॉफिट है तो यहां आएगा प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो यहां लॉस आएगी। मैं ये मान के चलता हूं कि लॉस हो रही है तो लॉस ट्रांसफर हो जाएगी इनकी तीनों पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद इनको बैलेंस कर लें, पार्टनर्स कैपिटल के जो भी बैलेंस है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आखिर में आपका ये टैली हो जाएगा, बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है डिसोल्यूशन का। अब इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है उनको समझ लें। इनके स्टेप्स को लिख लें, ठीक है। तो स्टेप्स में क्या है, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप टू ऑल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्टेप थ्री ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑल रिजर्व
पी एंड एल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ये पहले इससे क्या बैलेंस शीट ट्रांसफर हो गई। अब एसेट्स सेल करेंगे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एसेट्स अगर किसी पार्टनर ने ले लिए तो बैंक अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस को जब हम पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाइबिलिटीज टेक इन पार्टनर अगर लाइबिलिटीज ले लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन का अकाउंट का बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मस्ट टैली, ये टैली होना चाहिए। यहां मैं एक एडजस्टमेंट आपको अलग से लिखवा रहा हूं, नोट कहें या इसको पीटीआर कहें, नोट या पीटीआर का मतलब पॉइंट टू रिमेंबर, इफ एनी लायबिलिटी टेक एनी एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू then no entry shall be passed in realization account। इसका मतलब क्या है, सपोज कर लीजिए क्रेडिटर का बैलेंस है मेरा 10,000 और मोटर कार है मेरी 12,000 की, और हमें लिखा है कि क्रेडिटर टुक्स मोटर कार इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो हम पहले एक तरह से, अगर मान लीजिए मैं रियलाइज करूं या सेल करूं मोटर कार को, एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, 12,000 की मोटर कार बेच हम 10,000 में रहे ना, फिर हम पे करेंगे क्रेडिटर को, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। तो अगर गौर से देखें ये चारों एंट्री आपस में कट रही है, इसीलिए जब भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो तो इसका कंसेप्ट है नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करनी है। जब भी कोई एसेट्स किसी लायबिलिटी को ले जाती है, क्लियर है ना, उस एसेट्स टेकन ओवर बाय द लायबिलिटी की कोई एंट्री नहीं करनी, इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री करनी है। सो फ्रेंड्स, ये डिसोल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताए,
अब इसके अलावा और भी जो एडमिशन कंसेप्ट हैं वो पढ़ाए जाएंगे। चलिए, होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।